तो बेंटन का हर एक फैन ये जानना चाहता है कि बेंटन की न्यू सीरीज हमें दोबारा से कभी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि बेंटन ओमनीवर्स के बाद बेंटन रिबूट का भी एक न्यू सीजन हमें देखने को मिल गया था, जहां पे बेंटन रिबूट की कुछ मूवीज भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन बेंटन ओमनीवर्स जहां पे खत्म हुआ था, फैंस उसके आगे की स्टोरी को देखना चाहते हैं, क्योंकि बेंटन क्लासिक जब स्टार्ट हुआ था और बेंटन एलियन फोर्स, बेंटन अल्टीमेट एलियन, उसके बाद लास्ट सीजन था बेंटन की प्राइम टाइमलाइन का, वो था बेंटन ओमनीवर्स, और हर एक बेंटन का रियल वाला जो फैन है वो बेंटन ओमनीवर्स की आगे की स्टोरी को जानना चाहता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं कि आखिर कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है बेंटन के न्यू सीजन के आने की, जो कि बेंटन ओमनीवर्स की स्टोरी लाइन को आगे कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की हमारी इस वीडियो को लाइक एंड डिसाइड कर लेते हैं, जो कि 700 लाइक एंड 50 कमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस माल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। तो देखो गाइस, थोड़े टाइम पहले मैंने आप लोग को अपडेट दी थी कि बेंटन क्लासिक के जो ओल्ड वाले एपिसोड थे वो कार्टून नेटवर्क पे हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे, जो कि मॉर्निंग में 8:30 से 10:30 बजे तक देखने को मिलेंगे। और बेंटन क्लासिक के बाद एक और अपडेट निकल के आ चुके कि बेंटन एलियन फोर्स के भी पुराने वाले एपिसोड को दोबारा से टीवी पे रिपीट किया जाएगा, और बेंटन का हर एक फैन बेंटन एलियन फोर्स के भी एपिसोड को दोबारा से एंजॉय कर सकता है। और यहीं पे हमारा जो मेन पॉइंट है वो निकल के आता है कि आखिर क्यों इतने सालों के बाद बेंटन एलियन फोर्स और बेंटन क्लासिक के एपिसोड्स को दोबारा से टीवी पे क्यों रिलीज किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि बेंटन रिबूट को ऑफिशियली जो है बच्चों के लिए क्रिएट किया गया था, जहाँ पे एलियंस के डिजाइन को इस तरह से बनाया गया था वो सिर्फ कार्टून करेक्टर की तरह दिखाई दे और बच्चे उसको काफी ज्यादा एंजॉय करे। लेकिन पुराने वाला जो एनिमेशन था बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन ओमनीवर्स तक, उनमें थोड़े एलियंस के डिजाइन को काफी ज्यादा डरावना भी बनाया गया था। तो इतने सालों के बाद आखिर क्यों बेंटन के पुराने वाले एपिसोड को ही रिलीज किया गया। हालांकि ऐसा भी हो सकता था कि बेंटन रिबूट को दोबारा से चलाया जाए, लेकिन बेंटन के क्रिएटर्स दोबारा से बेंटन क्लासिक और बेंटन एलियन फोर्स को लेके आए हैं। हो सकता है कि बेंटन अल्टीमेट एलियन भी दोबारा से हमें टीवी पे देखने को मिले, और हमारी पॉसिबिलिटी के हिसाब से मुझे लगता है कि बेंटन ओमनीवर्स का जो सीजन हमें देखने को मिला था, बेंटन अल्टीमेट एलियन के बाद ओमनीवर्स के भी एपिसोड्स को हमें टीवी पे दिखाया जाएगा। और जैसे ही बेंटन ओमनीवर्स के एपिसोड एंड हो जाएंगे, जहाँ पे बेंटन ओमनीवर्स खत्म हुआ था, उसके बाद तुरंत से हमें एक न्यू सीरीज भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हो सकता है कि बेंटन क्लासिक को टीवी पे सिर्फ इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि बेंटन की जो पुरानी स्टोरी थी वो फैंस को दोबारा से दिखा के रिमाइंड करा दी जाए, ताकि बेंटन की न्यू सीरीज आए तो उनको पुराने वाले एपिसोड भी याद रहे। तो यहाँ पे बेंटन एलियन फोर्स के बाद बेंटन अल्टीमेट एलियन भी आ सकता है और बेंटन ओमनीवर्स भी आ सकता है, जिसके बाद बेंटन की न्यू सीरीज भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बेंटन की न्यू सीरीज थोड़े टाइम के बाद जरूर हमें देखने को मिलेगी। इस पे आप लोग का क्या कहना है कॉमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि गाइस पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बन चुकी है जब से बेंटन के पुराने वाले एपिसोड हमें टीवी पे देखने को मिलने लगे हैं। तो क्या आप लोग बेंटन ओमनीवर्स के सेकंड सीजन को देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके मुझे बताना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा ऑसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।